कोरोना का कहर झेल रहे देशवासियों के लिए एक राहत भरी खबर है, उसकी जानकारी दे देते हैं। दरअसल देश में पिछले एक हफ्ते में संक्रमण दर में कमी रिकॉर्ड की गई। पिछले तीन दिन में नए केसेस और संक्रमण दर में स्थिरता आई है। देश में संक्रमण दर घटकर 21.2% रह गई है, जो कि पिछले सप्ताह 21.95% थी। 187 जिलों में पिछले दो सप्ताह से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है। कम से कम ये 187 जिले ऐसे हैं जहां पर गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है, और पूरे देश भर में ऑन एन एवरेज अगर पिछले एक हफ्ते की अब बात करेंगे तो यहां पर संक्रमण दर में कमी रिकॉर्ड की गई। 21.02% अभी की संक्रमण दर है, पिछले हफ्ते तक 21.95% थी ये संक्रमण दर। में 17.13% एक्टिव केसेस थे, जो कि अब घटते घटते 15.65% हो गए हैं। इसी तरीके से जो रिकवर्ड केसेस थे वह 3 मई को 81.7 थे, जिसमें अब हम एक बढ़ोतरी नोट करते हैं, विच एर नाउ कम टू 83.26%। इसी के साथ ही हम एक और जो नोटिस करते हैं कि 3 मई से हमारे देश में रिकवरी, 3 मई से जो हम देखते हैं कि 3 मई से रिकवरी जो है वह बढ़ती जा रही है, और विज़ावी द केसेस जो हमारे एक्टिव केसेस जो हमारे देश में रिपोर्ट होते हैं। तो देश भर में कोरोना के हालात क्या हैं, आपको ग्राफिक के जरिए मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि अभी संक्रमण दर के हिसाब से देश भर में अलग अलग राज्यों में कितने राज्यों में संक्रमण दर कितनी है। दरअसल 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर संक्रमण दर 25% से भी अभी ज्यादा बनी हुई है, यानी कि 10 राज्य अभी थोड़ा रिस्क जोन में नजर आ रहे हैं। 25% से ऊपर यहां पर इन्फेक्शन का रेट है। 18 राज्य ऐसे हैं जहां पर यह संक्रमण दर 20% से ज्यादा अभी दर्ज की गई है, रिकॉर्ड की गई है। 24 राज्य ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट 15% से ज्यादा है। 12 राज्य में 1,00,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस बताए जा रहे हैं, और 8 राज्यों में 50,000 से 1,00,000 के बीच सक्रिय मामले हैं। 16 राज्यों में 50,000 से कम एक्टिव केस हैं, और देश में 18 करोड़ लोग इस वक्त वैक्सीन ले चुके हैं। 18 करोड़ देश की आबादी के लिहाज से भले ही एक कम नंबर हो, लेकिन लगातार वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है। कोशिश यह की जा रही है कि एक एक व्यक्ति तक वैक्सीन की डोज पहुंचाई जाए, और इसीलिए तेजी के साथ वैक्सीनेशन ड्राइव भी चलाई जा रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।